लगभग 6:30 बजे के करीब तेजस्वी यादव का फोन आया, क्योंकि लालू जी गोपालगंज के हैं, मेरे बचपन से मित्र हैं। अच्छा। और मित्रता ऐसी है कि मुझे कहीं भी जेल में रहे, 80 में आप लोग एक साथ विधायक थे, वो सोनपुर से और आप यहाँ से, तो न जाने क्यों मैं 1 घंटा 1.5 घंटा बैठता हूँ और मुझे बात करने में उनसे बड़ा मजा आता है। रामविलास जी भी जानते थे, कहीं उनको मैंने छोड़ा नहीं, किसी जेल में गए। अब मैं सोया था तब तक तेजस्वी जी का फोन आया, पांडे जी आप को चुनाव लड़ना है। भैया जी सवाल करते हो, सीट आपने कांग्रेस को दे दिया और आप कहते हैं ये आपको हमारे पार्टी से लड़ना है, क्यों मूर्ख हमको बनाया जा रहा है। तब तक राहुल जी के यहाँ से 1/2 घंटा के बाद फोन आया, तो चूंकि कांग्रेस मेरा पुराना घर था, उसमें भी 18 साल रहे थे, तो अब मैं सोचा कि पुराने घर में जाने के लिए, अब उस घटना का विस्तृत से वर्णन नहीं करूंगा। मैं आया, पहले नामिनेशन किया, तब उसके बाद मैंने ज्वाइनिंग किया, तब उसके बाद से सिंबल मिला। कांग्रेस आपका इतने लंबे समय तक घर था, तो फिर कांग्रेस छोड़ी क्यों थी? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब इंदिरा फैमिली ने राजीव जी के हत्या के बाद ये घोषणा कर दिया कि अब राजनीति से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, मैं 3-3 बार सोनिया जी से पूछा कि हम लोगों का क्या होगा, क्योंकि मैं टॉप पर था, नरसिंहा राव जी, चौहान, ये लोग कहते थे कि पांडे जी राजीव गांधी ये गलती करते हैं, आप उनको कह दीजिए। तो नरसिम्हा राव उनकी कैबिनेट के सीनियर मिनिस्टर थे, वो आपसे कहते थे? सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, आप किचन कैबिनेट में थे। नरसिम्हा राव जी मेरे अभिभावक ही नहीं, एक गार्जियन थे। तो जो बात आपने कहा कि बहुत बातें थी कि वो लोग मशक कर रह जाते थे, हम विवाक बोलता था, सब लोगों का सम्मान किया, रेल यात्रा शुरू हुई 24 घंटा मैं ही साथ रहता था। जब सोनिया गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, सीताराम केसरी जी से पटता नहीं था, तो रामविलास जी से मुलाकात हुई पार्लियामेंट के अंदर, ये पांडे जी आप हमारे साथ आ जाइए, रामविलास जी ने जो सम्मान मुझे दिया। तो आप जनता दल में चले गए थे पहले? भाई जनता दल में तो मैं कभी नहीं ना गया। आपने कहा कि सीताराम केसरी के ज़माने में मेरी नहीं पटती थी, तो सीताराम केसरी के ज़माने में तो जनता दल था। सीताराम केसरी कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट थे जी, राजीव गांधी नवंबर 1996 में वो नेशनल प्रेसिडेंट बने, जब पीवी नरसिम्हा राव को समन मिलना शुरू हुआ लखुभाई पाठक और दूसरे मामलों में जी। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट उन्हीं की चलती थी, राजीव गांधी के मरने के बाद, तब मैंने कांग्रेस छोड़ा नहीं। जब सोनिया गांधी ने साफ कह दिया कि पांडे जी अब राजनीति से मतलब नहीं, तो मैं रामविलास पासवान के साथ आया, फिर अपने घर में वापस चला गया, नहीं इनका पार्टी छोड़ाऊंगा अभी तब। पर सोनिया गांधी तो 1998 में ही आ गई थी कांग्रेस संभालने के लिए, आप कह रहे हैं कि आपके सोनिया गांधी से? नहीं, गलत बात मत बोलिए। सोनिया जी राजीव गांधी के हत्या के बाद, जब उन्होंने घोषणा किया जी कि अब राजनीति से मतलब नेहरू परिवार को नहीं है, यह घोषणा राजीव गांधी के हत्या के तुरंत बाद था। बिल्कुल।
तो हम लोग असहाय महसूस करते थे कि अब राजीव जी चले गए तो किसके साथ आदमी रहे। तब आदमी रामविलास पासवान के पास आया। मेरा सवाल यह है कि 1998 में सोनिया गांधी वापस कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई, तो आपको लगा नहीं तब कि अपने पुराने घर चले जाएं? बड़ी देर से याद आई पुराने घर की। नहीं नहीं, कोई घर छोड़ा नहीं जाता है। वही सोनिया जी ने जब अगर कहती कि राजीव जी के हत्या के बाद मैं राजनीति करने पर विचार करूंगी, लेकिन उनका घोषणा था कि अब राजनीति से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रामविलास पासवान के साथ मैं जुड़ चुका था और सोनिया गांधी का पदार्पण तब हुआ जब सीताराम केसरी को कांग्रेस की हालात जब गिरती जा रही थी तब सोनिया जी आकर सत्ता संभाली। तो किसी के साथ में था तो उसको छोड़ नहीं सकता था।